हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट टू हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो। पार्ट फाइव में हम देखेंगे फ्लो पैटर्न्स। तो फ्लो पैटर्न में हम देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रीम लाइन क्या होता है, देन स्ट्रिक लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीम ट्यूब। ये चारों टॉपिक जो हमारा ये एक फ्लो पैटर्न है। फ्लो पैटर्न मींस जो आपका फ्लूइड जो फ्लो होता है ना, वो एक अलग अलग यूनिक पैटर्न से फ्लो होता है, ठीक है। तो वो पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे चार टाइप का मेन पैटर्न जो होते हैं फ्लो पैटर्न, दैट इज स्ट्रीम लाइन, स्ट्रिक लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीम ट्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रीम लाइन से। क्या होता है स्ट्रीम लाइन? स्ट्रीम लाइन, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन एक बोले तो एक इमेजिनरी लाइन टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने मैग्नेट लिया, मैग्नेट को आप मैग्नेटिक फील्ड जो बताते हो, डेफिनेशन देते हो मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप क्या देते हो? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? हमें दिखता तो नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें दिखता है नहीं, बट हम महसूस करते हैं आसपास उसके। अगर पास अगर दूसरा मैग्नेट ले जाए, कोई लोहा ले जाए, तो हमें महसूस करते हैं कि वो अट्रैक्ट या रिपल्सन हो रहा है उनके बीच में, ठीक है। तो वो हम मैग्नेटिक फील्ड जो दिखाते हैं उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। सेम टू सेम इन टर्म ऑफ फ्लूइड फ्लो, स्ट्रीम लाइन क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखें, स्ट्रीम लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन टेंजेंशियल टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऐसे इसमें देखें, ठीक है, ये हमारे हो गए स्ट्रीम लाइन। अब आप किसी पॉइंट पर अगर आप देखोगे, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या होगा? टेंजेंशियली होगा। जो आपका स्ट्रीम लाइन है, वो जो कर्व बना है स्ट्रीम लाइन का, जो स्ट्रीम लाइन के कर्व्स हैं उससे क्या है? टेंजेंट है, इन डायरेक्शन ऑफ एक्स और इन डायरेक्शन ऑफ वाई। क्या है? उससे टेंजेंशियल डायरेक्शन में दिखाएगा। और जिस तरफ हमारा फ्लूइड मूव हो रहा है उसके ही डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी टेंजेंशियली बताएगा, ठीक है। और एक टर्म और नोट करते हैं यहां पे हम, स्ट्रीम लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड पार्टिकल एट अ गिवन पॉइंट एंड टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें, ये हमारा एक पाइप हो गया, ठीक है, ये हमारा एक पाइप हो गया। अब यहाँ पे ये हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, ये हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। अब फ्लूइड पार्टिकल, अब देखो ये पार्ट फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, ये स्ट्रीम लाइन है हमारा। अब इस पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, अगर आप किसी भी पार्टिकल का, फॉर एग्जांपल हम इस पार्टिकल का अगर हम वेलोसिटी चेक कर रहे हैं, तो ये वेलोसिटी जो भी होगा, इस पार्टिकल के प्रॉपर्टीज होंगे फ्लूइड के, वो क्या होंगे? टेंजेंशियली दिखाएगा, इसका ऐसे, इसका ऐसे। जो कर्व, जो लाइन है स्ट्रीम लाइन, उसके जो वेलोसिटी, वो क्या हमेशा टेंजेंशियली होगा। तो वही यहाँ पर हो रहा था, स्ट्रीम लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन टेंजेंशियली टू द टेंजेंशियल टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड पार्टिकल्स, ओके। और यहां पे टेन थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन यू इन डायरेक्शन ऑफ वाई और इन डायरेक्शन ऑफ एक्स। एक्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी यू, वाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी वी, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और इसे आप क्या लिख सकते हो? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये था हमारा स्ट्रीम लाइन की कहानी। अब हम देखते हैं स्ट्रिक लाइन क्या होता है। सेकेंड वन इज स्ट्रिक लाइन। स्ट्रिक लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, ये भी एक इमेजिनरी लाइन होता है, विच गिव्स द पोजिशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लोइंग थ्रू अ स्पेसिफिक लोकेशन और अ पॉइंट एट एनी टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक पाइप बनाते हैं, मैं पाइप के एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ये हमारा एक पाइप हो गया, इसमें ये हमारा फ्लूइड, ये हमारा स्ट्रीम लाइन हो गया, फ्लूइड इस ओर फ्लो हो रहा है, ये हमारे पार्टिकल्स हो गए, ठीक है।
अब ये जो पार्टिकल्स मैंने बनाया, इस पार्टिकल का पोजीशन क्या है वो हमें स्ट्रिक्ट लाइन बताता है। कैसे बताता है, एक और लाइन बनाते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये हमारे तीन पार्टिकल्स हैं, हमने इस पॉइंट पे एट पर्टिकुलर टाइम पे इस पॉइंट को हमने लोकेट किया। अब इस जो पॉइंट को हमने लोकेट किया, ये तीनों के बीच में एक रिलेशन हमारा एक लाइन बताता है, इनके पोजीशंस बताते हैं। ठीक है, क्या करता है ये स्ट्रिक लाइन। तो जो मैंने ये जो लाइन बनाया है, कर्व जो दिख रहा है, ये एक्चुअली में हमारा है स्ट्रिक लाइन। तो स्ट्रिक लाइन का काम क्या है, वो हमें बताता है पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। ठीक है, जो पार्टिकल हमारा पाइप से फ्लो हो रहा है उनका पोजीशन बताता है कि किस पोजीशन पे, किस लोकेशन पे, एट पर्टिकुलर टाइम पे हमारा वो फ्लूइड पार्टिकल कहाँ है। ठीक है, पाथ लाइन क्या होता है, जो एक्चुअल फ्लोइंग पाथ है हमारे फ्लूइड का वो हमें बताता है पाथ लाइन। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक पाइप हुआ। ठीक है, अब देखो ये हमारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब इस पार्टिकल का हमें तो नहीं दिख रहा ना, इस पार्टिकल किस लाइन से, किस स्ट्रिक लाइन से, सॉरी किस स्ट्रीम लाइन से, किस लाइन से, किस पाथ से ट्रेवल कर रहा है, ये तो हमें पता नहीं चल रहा है। तो हमें जो एक्चुअल पाथ होता है किसी पार्टिकल का, ये पाथ, दैट इज माई पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होता है, पाथ लाइन इज एन एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाई ए फ्लूइड पार्टिकल फ्लोइंग इन अ चैनल। जो आपने चैनल से पाइप बनाया, जो चैनल बनाया है, उसे जब आप फ्लूइड फ्लो करा रहे हो, तो जो उसका एक्चुअल पोजिशन होता है जहाँ से हमारा पार्टिकल्स पास होता है, एक्चुअल लाइन होता है, एक्चुअल, तो वो जो पाथ है दैट इज माई पाथ लाइन। और एक टर्म नोट कर ले यहां पे, द डायरेक्शन ऑफ पाथ लाइन ऑफ एनी फ्लोइंग पार्टिकल कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स स्ट्रीम लाइन। ठीक है, मीन्स अगर आप किसी पाथ लाइन जो आपका है, उस पाथ लाइन पार्टिकल, उस पार्टिकल का अगर आप उसका डायरेक्शन जानना चाहते हैं, तो वो किसे पता चलता है हमें, वो हमें पता चलता है स्ट्रीम लाइन से। ठीक है, और हमारे जो लास्ट है वो है हमारा फोर्थ वन इज स्ट्रीम ट्यूब। ये तो आप जानते ही हैं स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है, अभी तक हमने जितना ट्यूब बना के आपको समझा रहे हैं वो सब क्या है, स्ट्रीम ट्यूब ही है। बट स्ट्रीम ट्यूब को हम डिफाइन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं स्ट्रीम ट्यूब का डिफाइन हम कैसे करते हैं। इट इज एन इमेजिनरी ट्यूब कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन। मीन्स एक हमने ट्यूब कंसिडर किया, ठीक है, ये ट्यूब हमने कंसिडर किया। अब इस ट्यूब के अंदर ये नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन जो पास हो रहे हैं, ठीक है, तो इसे कैसे डिफाइन करें, इट इज इमेजिनरी ट्यूब कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू स्मॉल कर्व सच दैट दे फॉर्म अ बाउंड्री सरफेस एंड द फ्लूइड में एंटर और लीव एट द एंड ऑफ द ट्यूब, देयर इज नो फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीम ट्यूब। दिस मीन्स हम स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है, एक ऐसा ट्यूब होता है जो कि जिसके अंदर नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन होते हैं, दैट इज माई स्ट्रीम ट्यूब। अब देखो एक लाइन है, दैट इज हम उसे बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, दो लाइन है स्ट्रीम लाइन। बट ऐसे बंडल ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन जब किसी ट्यूब से, किसी कर्व सरफेस एरिया से पास होते हैं, किसी कर्व एलिमेंट से पास होते हैं बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन, तब हम उस एलिमेंट को नाम देते हैं स्ट्रीम ट्यूब। तो वो था हमारा स्ट्रीम ट्यूब। ओके, तो आई थिंक आपको ये पूरा चारों पॉइंट जो हमारा था फ्लो पैटर्न के, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रिक लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीम ट्यूब, आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।